1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आरोप तय होंगे। इन सभी को आज सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश होना है। 25 साल तक ये मामला क्यों लटका रहा और क्या है इन नेताओं पर आरोप, आइए देखते हैं। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंभरा और विनय कटियार, ये बीजेपी के वो बड़े चेहरे हैं जिन पर 25 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज आरोप तय होंगे। पिछले महीने 19 अप्रैल को सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने को कहा था। सुनिए उस दिन उमा भारती ने 1992 में जो हुआ था उसके बारे में क्या कहा था। कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। उमा भारती पर चार्जशीट इसलिए अहम है क्योंकि इस वक्त वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। सवाल है कि क्या चार्जशीट दायर होने के बाद वो इस्तीफा देंगी। 1992 की यही वो तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर उमा भारती गर्व होने की बात कर रही हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी में लाखों कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार थी। इस मामले में तब कुल 2 FIR दर्ज हुई थी, एक लखनऊ में कार सेवकों के खिलाफ तो दूसरी फैजाबाद में बीजेपी और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 8 बड़े नेताओं के खिलाफ। ये नेता थे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया, उमा भारती और विनय कटियार। इन 8 नेताओं पर अयोध्या में मंच से हिंसा भड़काने का आरोप था। इनका केस रायबरेली की अदालत में चल रहा था लेकिन उसे भी लखनऊ के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने जांच के दौरान साजिश के सबूत मिलने का दावा किया और 13 और नेताओं का नाम जोड़कर कुल 21 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा लगा दी। सीबीआई ने लखनऊ की कोर्ट में 21 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की साझा चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को दोबारा अलग अलग चलाने का आदेश दे दिया। इसका फायदा नेताओं को मिला क्योंकि मुकदमे अलग अलग चलने से उस साझा चार्जशीट का कोई मतलब नहीं रह गया जिसमें उनके ऊपर आपराधिक साजिश की धारा लगाई गई थी। सीबीआई ने 2012 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब 25 साल से चल रहे इस मामले में जिन 21 नेताओं का आरोप था उनमें से 8 का निधन हो चुका है। ऐसे में अब कुल 13 नेताओं पर यह मुकदमा चलेगा। बीजेपी नेता विनय कटियार इस मामले में सीबीआई पर ही सवाल उठा चुके हैं। इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, ये सीबीआई ने साजिश रची है ताकि इन केसों के अंदर सबको फंसाया जाए। 1992 की घटना के वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह भी आरोपियों की लिस्ट में हैं, लेकिन अभी वो राजस्थान के राज्यपाल हैं इसलिए फिलहाल उनके खिलाफ केस नहीं चल सकता। बीजेपी के इन बड़े नेताओं पर अभी तक समाज में वैमनस्य फैलाना, राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालना, अशांति और उपद्रव फैलाने की नीयत से झूठी अफवाहें फैलाने से जुड़ी धाराओं के तहत केस चल रहा था। अब इसमें आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ दी जाएगी। ऐसे में दोष साबित होने पर उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक साथ चलाने का आदेश दिया था। अब ये दोनों मुकदमे लखनऊ के सेशंस कोर्ट में चलेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।